Hello students, myself Dinesh Dadich, Team Chemistry, CLC. Mid-session DTS, fourth test हम solve कर रहे हैं, जिसमें physical का part हम discuss कर रहे हैं. तो dear students, first of all, 69 number questions, pH of saturated solutions of AOH का whole twice is 11. कोई AOH का whole twice saturated solutions है जिसकी pH कितनी है 11 है pH 11. What will be the solubility product of the hydroxide? This hydroxide. इस hydroxide का solubility product क्या होगा? तो dear students ये जो hydroxide है AOH का whole twice ionized into the A+2 + 2OH-, इस तरह से आयोनाइज्ड होगा. स्टार्टिंग में ये सॉलिड है, ये एक्वस रहेगा अपने पास, और ये क्या रहेगा एक्वस. ये स्टार्टिंग में अपने पास डैश, ये जीरो, ये जीरो, ये अपने पास डैश, ये एस और टू एस. अपने पास पीएच 11 है, पीएच इक्वल टू 11 है, तो पीओएच कितनी हो गई, पी OH is equal to अपने पास हो गया 3. तो अपने पास OH minus ion की concentration कितनी हो गई, OH minus ion की concentration 10^-3. OH minus ion की concentration किसके equal है, 2S के equal है. तो 2S equal to 10^-3, S equal to 5 × 10^-4. ओके डी स्टूडेंट्स, एंड Ksp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ksp इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 4s³. तो 4 × 5 × 10^-4 का क्यूब, ये अपने पास हो गया 5 की पावर 3 125, और 4 500 × 10^-12 मींस 5 × 10^-10. कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 × 10^-10 सेकंड आंसर हो जाएगा, ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. ए रिएक्शंस एट इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व 2 mole ऑफ ईच PCl5, PCl3 एंड Cl2. इज मेंटेन एट द 250 डिग्री सेंटीग्रेड. द टोटल प्रेशर इज 30 atm. What will be the Kp for these reactions? Dear students, Kp को अगर हम discuss करते हैं, तो इस reactions के लिए अपने पास Kp equal to P of PCl5 की power 1/2 partial pressure of PCl3 की power 1/2 and partial pressure of Cl2 की power 1/2. डी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में अपने पास क्या गिवन है, मोल गिवन है, टोटल एटीएम टोटल प्रेशर गिवन है. तो 1/2 ऑफ PCl3 इक्वल प्लस 1/2 ऑफ Cl2 एंड PCl5, इसका अपने पास मोल हो गया, इट इज 2 mole हो गया. सबका कितना मोल है, 2 mole हो गया. टोटल मोल कितना हो गया, 6 हो गया. टोटल मोल कितना हो गया, 6 हो गया. और तो ये मोल फ्रैक्शन हो गए, और पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, टोटल प्रेशर से. टोटल प्रेशर कितना हो गया, 3 हो गया. तो ये अपने पास सबका जो पार्शियल प्रेशर है P है, वो कितना हो गया, 1 हो गया. तो Kp इज इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. और Kp के यूनिट की बात करें, तो यूनिट कितनी होती है Kp की पावर, डेल्टा Ng. और डेल्टा एनजी इक्वेशंस के लिए कितना है, -1/2. तो Kp इज इक्वल टू 1, एटीएम की पावर हो जाएगी अपने पास -1/2 हो जाएगी. तो कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, अपने पास फोर्थ ऑप्शन है, वो करेक्ट ऑप्शन हो गया. ओके, नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट मॉलिक्यूलर मास m
वॉटर इज W ग्राम पर 100 ml एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी. कोई कैल्शियम फॉस्फेट की अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम फॉस्फेट अपने पास क्या हो जाता है, जो Ca3PO4 का होल ट्वाइस, PO4 का होल ट्वाइस, ये जो आयोनाइज्ड होगा ये हो जाएगा 2 Ca+2+3 Ca+2+2 PO4-3 2 PO4-3 इस तरह से आयोनाइज्ड हो जाएगा. इसके लिए Ksp = अपने को पता है 108 S5 हो जाएगा. डी स्टूडेंट्स, S की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो S इक्वल टू कितना होता है W/mW × V. किसमें होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए. सोलिबिलिटी, मोलर सोलिबिलिटी, अगर मोलर सोलिबिलिटी की बात करें तो S इज इक्वल टू हो जाएगा W हो गया कैल्शियम फॉस्फेट, W/mW. M के इक्वल है कितना ml में, 100 × 1000 × 1000 कितना रह गया, 10 रह गया. इसकी पावर क्या हो जाएगी, क्यूब. तो Ksp इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा Ksp 108 × W/m × 10^5 कितनी होगी, 5 हो गई. तो अपने पास Ksp इज इक्वल टू आ गया 108 × 10^5 W/m की पावर भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. डी स्टूडेंट्स चेक करें कौन सा ऑप्शन है, 108 × 10^5 W/m^5. तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट चेक करते हैं. PCl5, PCl3 and Cl2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट फॉर द अबाउ इक्विलिब्रियम. ओके डी स्टूडेंट्स, ये कोई इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम में इस स्टेटमेंट, इस इक्वेशन से रिलेटेड हमें स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग इन द टोटल प्रेशर. जी स्टूडेंट, टोटल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस साइड में शिफ्ट होता है, कम मोल की साइड में शिफ्ट होता है, लोअर मोल की साइड में शिफ्ट होता है. तो लोअर मोल की साइड में शिफ्ट होगा तो कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा. तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, बैक डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन एडिशन ऑफ द CH4 गैस इन ए क्लोज कंटेनर. डी स्टूडेंट्स, यहां पे जो CH4 अपन ऐड करेंगे, CH4 किसकी तरह काम करेगी, इनर्ट गैस की तरह काम करेगी. और आप किस पर मिला रहे, कांस्टेंट, आप क्लोज कंटेनर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर इंक्रीज होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया. इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन एडिशन ऑफ C2H6 गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर. आप कांस्टेंट प्रेशर पे अगर C2H6 गैस ऐड कर रहे हैं, मींस इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं, और इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा. वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो रिएक्शंस किस डायरेक्शन में जाती है, हाई नंबर ऑफ मोल की ओर. तो हाई नंबर ऑफ मोल की ओर शिफ्ट होगी तो कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट स्टूडेंट, फॉलोइंग रिएक्शंस इन इक्विलिब्रियम एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा जी फॉर द अबाउ रिएक्शंस. कोई इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम के लिए अपने को डेल्टा जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. वी नो दैट डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -RT ln K की वैल्यू होती है, ln K होता है. डी स्टूडेंट्स, यहां से हम इजीली KP की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. KP इक्वल टू अपने पास हो जाएगा KP इज इक्वल टू P NOCl गैस है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. अपने पास यहां पे P
एनओ का स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी सी एल टू हो जाएगा, पी सी एल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एल टू ये अपने पास हो जाएगा। केपी की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो केपी इक्वल टू अपने पास हो गया, ये हो गया 10^-3 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा, 10^-3 का स्क्वायर, 10^-4 का स्क्वायर, 10^-4 का स्क्वायर और हो जाएगा अपने पास 10^-3। इसको सोल्व करते हैं, ये 10^-6 होगी, 10^-6 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 10^-3 हो गया, ये 10^ कितना हो गया, -8 हो गया, 10^-8 हो गया, अपर जाएगा किसका हो जाएगा, ये 10^5 रह गया तो अपर जाएगा तो 10^ क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल टू 10^5 हो जाएगा। केपी इज इक्वल टू डेल्टा जी अपने को कैलकुलेट करना है तो -2.303 आर टी लॉग केपी, ये वैल्यू यहां पुटअप कर देते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर की वैल्यू 8.314 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 केल्विन और लॉग केपी log 10 to power 5 इसे हम सोल्व कर लेते हैं तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू अपने पास आ जाएगा -28.72 किलो जूल अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आ जाएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है डी स्टूडेंट्स, सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट चेक करते हैं, By what factor solubility of AgBr is 10^-, change when the is dissolved in 0.01 NaBr. Dear students, ये common ion effect से related question है, common ion effect से related questions की बात करते हैं तो AgBr जो अपने पास solid है AgBr, ये किस में dissociate होगा, Ag plus aqueous plus Br minus aqueous, यहां पे अपने पास जो NaBr गिवन है इसकी प्रेजेंस में सोलिबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो Na प्लस प्लस Br माइनस, कॉमन आयन इफेक्ट में सोलिबिलिटी ऑलवेज क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है तो देख लेते हैं, ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट सोलिबिलिटी डिक्रीजेस टू S डैश तो सोलिबिलिटी न्यू सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी S डैश, ये भी कितना हो जाएगा S डैश, ये इनिशियली C था 0 0 फाइनली ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सी और ये सी तो अपने पास के एस पी आज भी उतना ही रहेगा, के एस पी इज इक्वल टू एजी प्लस और बी आर माइनस, एजी प्लस और बी आर माइनस तो के एस पी इज इक्वल टू एजी प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई एस डेस और बी आर माइनस की कितनी हो गई एस डेस प्लस सी, अपने पास इस एस डेस के कारण कैसी आती है हाई पावर आ जाती है तो KSP इज इक्वल टू S डैश C हो जाएगा तो KSP कितना है 10^-10 S डैश कैलकुलेट करना है C कितना हो गया 10^-2 तो S डैश इज इक्वल टू 10^-8 आ जाएगा और प्रीवियस सॉल्युबिलिटी कितनी है प्रीवियस सॉल्युबिलिटी अपने पास हो जाएगी 10^ KSP इज इक्वल टू कितना हो गया S स्क्वायर तो ये कितनी हो जाएगी S इज इक्वल टू 10^-5 तो हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस न्यू सॉल्युबिलिटी और प्रीवियस सॉल्युबिलिटी तो 10^-8 अपॉन 10^-5 तो 10^-3 हो जाएगा तो इतने फैक्टर से क्या हो जाएगी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाएगी ऑप्शन क्या हो जाएगा 10^-3। ओके डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू बी प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन सो दैट द पीएच ऑफ सॉल्यूशन रिमेन 6 गिवन द केबी ऑफ NH4OH। दी स्टूडेंट्स NH4Cl है NH4Cl एक सोल्ट है ऐसा सोल्ट है जो कि NH4Cl स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट हो गया अगर इसके लिए H+ की हम बात करते हैं तो H+ इज इक्वल टू अपने पास
एच प्लस इज इक्वल टू अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के बी मल्टीप्लाई बाई सी हो जाता है। पीएच इक्वल टू सिक्स हो गया, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन कितनी हो जाएगी, 10^-6 इक्वल टू 10^ के डब्ल्यू, 10^-14। सी कैलकुलेट करना है और अपने पास जो के बी गिवन है 2 × 10^-5। डी स्टूडेंट इसे सोल्व करते हैं तो ये 10^-12 इज इक्वल टू 10^-14 मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई 2 × 10^-5। यहां से इसे सोल्व किया तो कितना हो गया, ये 10^-2 रहा, ये 10^-2 से कैंसिल आउट किया तो -3 रहा, तो c इज इक्वल टू 2 × 10^-3 होना चाहिए। तो मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 2 × 10^-3। मोलैरिटी m इज इक्वल टू हो गया w अपॉन mw इंटू v, क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो डी स्टूडेंट्स इसे सोल्व करते हैं w के लिए, तो w हमें कंसंट्रेशन w कैलकुलेट करना है, m कितना हो गया 2 × 10^-3। w कैलकुलेट करना है, MW कितना हो गया N4Cl का, यहां से आप W सोल्व कर लेते हैं तो W इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1.07 × 10^-2 ग्राम अपने पास ऑप्शन आ जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फ्रॉम द गिवन डाटा ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टू इक्वेशंस गिवन है और इस इक्वेशंस के लिए क्या कैलकुलेट करना है, के फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 1 होगी और ये इक्वेशन 2 होगी, ये इक्वेशन 3 होगी जो टारगेट इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से थर्ड इक्वेशन ऑप्टेन करना है तो क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन ऑप्टेन करना है तो CO2 गैस किस साइड में होना चाहिए, इस साइड में H2 गैस। तो अपने पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 इक्वल टू इक्वेशन 1 माइनस ऑफ इक्वेशन 2, और K के लिए हम जानते हैं K इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, इसे K1 दे दू इसे K2 दे दू, तो K इज इक्वल टू अपने पास K1 अपॉन K2 हो जाएगा, तो K इज इक्वल टू 670/490 इक्वल टू, इसे अपन सोल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 1.37। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके दी स्टूडेंट्स, 50 ml 0.1 m NH4OH सोल्यूशन टाइट्रेटेड विथ द 0.1 m HCl सोल्यूशन, व्हाट इज द पीएच ऑफ सोल्यूशन एट द हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट। दी स्टूडेंट्स हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब है NH4OH, NH4OH को किसके साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, HCl के साथ टाइट्रेट कर रहे हैं, क्या बन जाएगा NH4Cl बन जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। हाफ ऑफ इक्विवेलेंट, इनिशियल इसके मिली इक्विवेलेंट जो अपने पास है, मिली इक्विवेलेंट ये अपने पास हो गए, अपने पास 5 मिली इक्विवेलेंट, ये इनिशियली डेस 0 और 0। फाइनल अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ इक्विवेलेंट पॉइंट मींस 2.5 इक्विवेलेंट ऑफ NH4OH रिएक्ट विद द HCl एंड फॉर्म NH4Cl, सो दैट 2.5 एंड ऑल्सो 2.5। डी स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा क्या हो गया, ये अपने पास बेसिक बफर सॉल्यूशन हो गया, कैसा सॉल्यूशन हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन, NH4OH भी है और NH4Cl भी है, तो कैसा सॉल्यूशन हो गया, बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए POH इज इक्वल टू अपने पास पी के बी प्लस लॉग सोल्ट अपॉन लोग सोल्ट अपॉन बेस अपने पास आ जाता है, सोल्ट अपॉन बेस इक्वल हो गया तो अपने पास POH इक्वल टू कितना हो जाएगा, POH इक्वल टू 4.74 हो जाएगा। बट हमें पूछा क्या है, pH के बारे में पूछा है, तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 − 4.74, ये कितना हो जाएगा 9.26 हो जाएगा, तो कौन सा करेक्ट आंसर है 9.26 pH ये हो जाएगा। ओके
विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम विल बी फेवर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इंक्रीजिंग इन प्रेशर. डी स्टूडेंट्स, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में फेवर्ड होता है? इक्विलिब्रियम लोअर नंबर ऑफ मोल की ओर फेवर होता है. फर्स्ट वाले में अपने पास गैसेस मोल कितना है, 1, बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा. सेकंड वाले में कौन से वाले में, 2 और 3 और 2 माइनस 1, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर करेगा, लोअर नंबर ऑफ मोल की ओर फेवर करेगा, तो इसमें बैक डायरेक्शन में और इसमें प्रेशर से अफेक्टेड नहीं होगा. तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सेकंड वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. ओके, डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन ए प्लस 2b इक्वल टू 2c, 2 मोल ऑफ ए, 3 मोल ऑफ बी एंड 2 मोल ऑफ सी आर प्लेस्ड इन ए फ्लास्क एंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ सी इज दिस. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शंस, कोई रिवर्सिबल रिएक्शंस है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहां से हम इस इक्विलिब्रियम को सेटल करते हैं और लिखते हैं ए प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा. ओके, यहां मैंने लिखा इनिशियली इसका 3 मोल है, इसका कितना मोल है, इनिशियली 2 मोल ऑफ ए. ए के कितने मोल है अपने पास, ए के अपने पास 2 मोल हो गए. ये कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए. इसके कितने मोल हो गए, 3 मोल हो गए. इसके 2 मोल हो गए. एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 2 माइनस, देखना यहां पे सी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.5 है. मींस मोल ऑफ सी कितने हो गए, मोल ऑफ सी एम इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है. तो अपने पास 0.5 इज इक्वल टू मोल अपॉन वॉल्यूम कितना हो गया, 2. तो सी मोल ऑफ सी कितने हो गए, मोल ऑफ सी 1 हो गया. डियर स्टूडेंट्स, अपने पास मोल ऑफ सी है वो 1 हो गया, मींस रिएक्शन प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में प्रोसीड हुई है, बैक डायरेक्शन में प्रोसीड हुई है. तो यहां क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस 2x, 3 प्लस 2x और 2 प्लस x हो जाएगा. एक्स की वैल्यू कितनी, मोल अपने पास कितने हो गए, 0.1. तो 2 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया. तो अपने पास x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया. x इज इक्वल टू 1/2 हो गया, तो ये अपने पास कितना हो गया, 1 हो गया. ये अपने पास कितना हो गया, 1/2, 4 हो गया. ये अपने पास क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1/2, 2.5 हो गया. वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, केसी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो केसी इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, केसी इक्वल टू अपने पास हो जाएगा सी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए की कंसंट्रेशन इंटू बी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर. इससे आप सोल्व कर रहे हैं केसी, वैल्यू पुट अप कीजिए, वैल्यू पुट अप करके सोल्व कर रहे हैं, तो केसी की वैल्यू आ रही है अपने पास 0.05. ओके डी स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, पीएच ऑफ 10⁻⁵ एम NaOH सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. तो यहां से जो OH- आयन की कंसंट्रेशन हमें मिलेगी, वो OH- आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁵ मिलेगी. तो POH इक्वल टू कितनी हो जाएगी, POH इज इक्वल टू 5 हो जाएगी. तो PH इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14⁻⁵ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा. तो PH ऑफ सोल्यूशन कितनी हो जाएगी, अपने पास 9 हो जाएगी. For the reaction C solid plus CO2 gas plus CO gas, the partial pressure of the carbon dioxide and carbon monoxide are 4 atm and 8 atm respectively. Equilibrium Kp for the reactions. इस reactions के लिए Kp को अगर हम discuss करते हैं तो Kp is equal to होता है P partial pressure of carbon monoxide का square upon partial pressure of CO2. तो Kp equal to अपने पास हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का पार्शियल प्रेशर कितना है कार्बन मोनोऑक्साइड का 8 into 8
अपॉन डिवाइडेड बाई 4। तो ये अपने पास कितना हो गया, 2 आ गया। तो अपने पास कितना हो जाएगा, KP इज इक्वल टू 16 ATM हो जाएगा। तो 16 ATM आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऑफ एच एक्स 1 × 10⁻⁴ हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट ऑफ के एक्स विल बी। डी स्टूडेंट्स के गिवन है, तो एच एक्स क्या हो गया, एक एच एक्स अपने पास वीक एसिड हो जाएगा, और पोटेशियम सोल्ट हो गया, तो पोटेशियम सोल्ट ऑफ दिस अपने पास क्या हो जाएगा, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट हो जाएगा। और इसके लिए हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट होता है KH इज इक्वल टू होता है KW अपॉन KA होता है। डी स्टूडेंट्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड KW इज इक्वल टू 10⁻¹⁴ एंड K इक्वल टू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो अपने पास KH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁰ हो जाएगा KH। तो हाइड्रोलिसिस कॉन्स्टेंट अपने पास 10⁻⁻⁰, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर का मींस होना चाहिए वन एच प्लस का डिफरेंस होना चाहिए या वन ओ एच माइनस आयन का डिफरेंस होना चाहिए, HNO2 NO2-, एक एच प्लस का डिफरेंस है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर है, NH4+ एंड NH2-, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द टू एच प्लस माइनस। NH4+ है, इसका कॉन्जुगेटेड बेस क्या होना चाहिए था, NH3 होना चाहिए था। तो ये वाला ऑप्शन कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर होगा, बट ये कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर नहीं है। H2S एंड HS- ऑल्सो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, HCl एंड Cl- ऑल्सो कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है, वो क्या नहीं है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस पेयर नहीं है। ओके, फॉर द रिएक्शन एक्स गैस प्लस वाई गैस इक्वल टू जेड टू गैस ΔH इज इक्वल टू -75। फॉर द रिएक्शन एक्स गैस वाई गैस जेड टू गैस ΔH इज इक्वल टू -75 kJ ΔH इज इक्वल टू -75 kJ इट मीन्स द रिएक्शन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। अगर एक्जोथर्मिक रिएक्शन विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इंक्रीजेस, नो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्जोथर्मिकली क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। तो के क्या होता है, डिक्रीज होता है। इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड, नो, इक्विलिब्रियम भी अफेक्टेड होगा, तो यह भी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ जेड, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवरेबल होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगी। तो जेड, फॉर्मेशन ऑफ जेड टू इज फेवर्ड, नो, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड होगी। तो डीकंपोजिशन ऑफ जेड टू गैस इज द फेवर्ड, जेड टू गैस का डीकंपोजिशन फेवर्ड करेगा। ओके डी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ 0.1 mM वीक बेस BOH इज दिस। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट करना है डी स्टूडेंट्स, तो कोई भी वीक बेस है BOH, ये जब आयोनाइज्ड होगा तो B+ एक्वस एंड OH- आयन एक्वस हो जाएगा। और अपने पास ये हो जाएगा KB इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। KB इक्वल टू 10⁻⁵ है, मींस हम बोल सकते हैं 1 इज ग्रेटर देन अल्फा। तो KB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और KB कितना है, 10⁻⁵, 0.1 × अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू 10⁻²² हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0.01 हो जाएगा। तो 0.01 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट,
सेक्शन बी है, सेक्शन बी में से हम डिस्कस कर रहे हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग एम्फोटेरिक स्पीसीज आर, एम्फोटेरिक स्पीसीज मींस ऐसी स्पीसीज जो H+ रिलीज भी कर सकती है और H+ एब्जॉर्ब भी कर सकती है, ऐसी स्पीसीज को हम एम्फोटेरिक स्पीसीज कहते हैं। HPO3-2 को देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, H3PO2, कितने H+ PO3, कितने H+ रिलीज कर सकता है, 2H+ रिलीज कर सकता है, और 2H+ रिलीज कर चुका है तो एम्फोटेरिक स्पीसीज नहीं है। सेकंड OH- H+ दे भी सकता है और H+ ले भी सकता है, एम्फोटेरिक स्पीसीज हो गया। H2PO4- H+ रिलीज भी कर सकता है, H+ एब्जॉर्ब भी कर सकता है। H3PO4 का है तो H3PO4 क्या कर सकता है, H2PO4- में कन्वर्ट हो सकता है, तो HPO4-2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, एम्फोटेरिक स्पीसीज है। HCO3- क्या कर सकता है, H+ रिलीज कर सकता है, CO3-2, H+ ले सकता है, H2CO3, कैसी स्पीसीज होगी, एम्फोटेरिक स्पीसीज। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट आ रहा है ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, थर्ड और फोर्थ हो सकता है, ऑल ये रॉन्ग स्टेटमेंट, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन डी स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चेक करते हैं, तो पीएच कैलकुलेट करें तो हम बोल सकते हैं N1V1+N2V2 = क्या हो जाएगा, NV हो जाएगा। डी स्टूडेंट्स N हो गया अपने पास 2/200, इंटू V कितना हो गया 10 ml, प्लस N2 कितना हो गया 2/200 × 40 ml, और ये टोटल कितना हो गया N × 50 ml हो जाएगा। यहां से कैंसिल आउट करें तो अपने पास कितना हो गया, ये 0.1+0.4 = क्या हो गया N 50 ml, N = 10^-2 हो गया, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन 10^-2 में हुई, 10^-2, तो pH = कितनी हो जाएगी अपने पास 2 हो जाएगी, pH 2 करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द स्प्रिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस AB इन वाटर इज 1 × 10^-5, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। डी स्टूडेंट सोलिबिलिटी प्रोडक्ट AB2 के लिए बात कर रहा है, AB2 के लिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, AB2 के लिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट A+2+2B-, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो अपने पास KSP हो जाएगा, इसके लिए कितना हो जाएगा 4S³ हो जाएगा, तो 4 × 10^-5, 1 × 10^-5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 × 10^-15, इसका क्या हो जाएगा KSP हो जाएगा, 4 × 10^-15 ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट व्हेन द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl, प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशंस है कि आयोनिक प्रोडक्ट होना चाहिए, वो किसके इक्वल होना चाहिए, KSP के इक्वल होना चाहिए, तो जस्ट प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आयोनिक प्रोडक्ट तो AgCl जो आयोनाइज्ड होगा, AgCl कैसे हो जाएगा, Ag++Cl-, Q = Ag+ और क्या हो जाएगा Cl- हो जाएगा, Q = अपने पास हो गया 1.8, तो Q = KSP आना चाहिए। फर्स्ट वाले केस में हम बात करते हैं 10^-4/2, डी स्टूडेंट समझ रहे हैं डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, इक्वल वॉल्यूम ऐड किया है तो कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, M1V1 = M2V2, पहली कंसंट्रेशन M है, वॉल्यूम V है,
एम टू कैलकुलेट करना, वॉल्यूम टू वी हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन एम टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम बाई टू हो जाएगी। ये 10^-4, 10^-4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया अपने पास, Q इज इक्वल टू 2.1/4 इंटू 10^-8 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू अपने पास 2.5 इंटू 10^-9, और Q इज ग्रेटर देन कितना हो गया, KSP, तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड वाले में प्रेसिपिटेट नहीं आएगा, थर्ड वाले में भी नहीं, फोर्थ वाले में भी नहीं, कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चेक करते हैं। 825 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर डेंसिटी ऑफ द PCl5 इज 100, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ PCl5, PCl5 के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट PCl5 है वो इस तरह से डिसोसिएट होता है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अगर वेपर डेंसिटी की बात करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी ऑफ स्मॉल डी, तो अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल डी अपने पास हो जाएगा इसका मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, तो अपने पास मोलर मास होता है 208.5 डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये कितना दे दिया अपने पास 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.04 अपने पास आंसर आ जाएगा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, एट अ सर्टेन टेम्परेचर, नेक्स्ट, एट अ सर्टेन टेम्परेचर एच आई इज इक्वल टू एच टू प्लस आई टू, ओनली 50% एच आई डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन। एच आई के लिए काम करते हैं, एच आई तो 2HI इक्वल टू एच टू गैस प्लस आई टू गैस। डी स्टूडेंट्स, इसके इनिशियल कितने मोल मान लेते हैं, इनिशियल कितने भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, 2 मान लिया, 0, 0, एट इक्विलिब्रियम 2 माइनस 2x और x हो जाएगा, nx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अल्फा हो जाएगा, n कितना है 2, x कैलकुलेट करना, a 2 अल्फा कितना हो गया, 50% हो गया। तो यहां अपने पास x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 1/2 और ये 1/2, k इक्वल टू kc इज इक्वल टू h2 i2 अपॉन एच आई का स्क्वायर हो जाएगा, तो अपने पास kc इज इक्वल टू हो गया 1/2 × 1/2 × 1 × 1 हो जाएगा, तो kc इज इक्वल टू 1/4 0.25 हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा, तो अपने पास फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। डेंसिटी ऑफ द डायमंड एंड ग्रेफाइट्स आर 2.3 and 2.39, इंक्रीज इन प्रेशर द इक्विलिब्रियम। डायमंड और ग्रेफाइट है वो इक्विलिब्रियम में है, और अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम लोअर वॉल्यूम की साइड में शिफ्ट होता है, और लोअर वॉल्यूम d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाई वी, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम अपॉन डी। जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डेंसिटी ज्यादा किसकी है, डेंसिटी है डायमंड की, डेंसिटी है ज्यादा, तो किस साइड में, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और ऑप्शन ऐसा है क्या कि बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर टू बैक डायरेक्शन, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन फेवर टू बैक डायरेक्शन, फेवर टू फॉरवर्ड डायरेक्शन नो इफेक्ट, डिक्रीजेज रिएक्शन रेट नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, the solubility of AgCl in presence of 0.2 NaCl solution, KSP of AgCl, solubility AgCl की solubility NaCl के presence में हमें calculate करनी है, तो NaCl के presence में calculate करनी है, तो AgCl solid है, किसमें जाएगा, Ag++ Cl-, ions are in aqueous state, ions in aqueous state, और अपने पास जो NaCl है ये NaCl हो गया, Na++ Cl-,
एस डेस हो जाएगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो गए, एस डेस और एस डेस, ये कितना आ जाएगा जीरो, ये सी और सी। तो के एस पी ऑफ ए जी सी एल इज इक्वल टू ए जी प्लस और सी एल माइनस। तो के एस पी इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा ए जी प्लस की कंसेंट्रेशन होगी एस डेस, और ये क्या होगी एस डेस प्लस सी हो जाएगा। हाई पावर किसके कारण आती है, इसके कारण। तो के एस पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एस डेस सी हो जाएगा। के एस पी टेन टू पावर माइनस टेन, एस डेस कैलकुलेट करना है सी 0.2। तो एस डेस इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.2। तो ये कितना हो जाएगा एस डेस इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगी, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 हो जाएगी, 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मोल पर लीटर हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। ओके ओके डी स्टूडेंट्स, जे सी एल सी। वेलकम बच्चों, मैं प्रवीण अरोड़ा टीम सी एल सी से। आज अपन बात करेंगे, हमारा जो ये पेपर हुआ है मिड सेशन टेस्ट सीरीज का, ये जो पेपर है इस पेपर में आपका ऑर्गेनिक का पोर्शन हेलोजन डेरिवेटिव, ग्रीन यार रिएजेंट, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है इसके सॉल्यूशन पे अपन बात करते हैं। हमारे पास इसके क्वेश्चन है, नो डाउट पेपर आपका अच्छा गया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई संदेह किसी क्वेश्चन में है तो वो अपन यहाँ पे उसको अभी उस जानकारी को अपडेट कर लेते हैं, जो डाउट है उसे डाउट नहीं रहने देंगे। चलिए बेटा जी, तो बात शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है स्क्रीन पे, ये क्या है, अंडर SN1 कंडीशन द हाइड्रोलिसिस ऑफ नियोपेंटाइल ब्रोमाइड गिव द मेजर प्रोडक्ट। मॉलिक्यूल जो गिवन है बेटा जी वो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड, और रिएक्शन जिस कंडीशन में आपको करानी है वो आपको करवानी है SN1, और वो भी कौन सी, हाइड्रोलिसिस। आपको मालूम है SN1 रिएक्शन में जो सॉल्वेंट होते हैं वही न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करते हैं, तो प्रोसेस को अपन सोल्वोलाइसिस कहते हैं, और अगर वाटर अगर ऐसा करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो इसका मतलब उसे ये कहना चाहता है आपका जो मॉलिक्यूल है वो SN1 से रिएक्ट हो रहा है, और रिएक्ट होने के लिए जो न्यूक्लियोफाइल है, जो मीडियम है, वो वाटर है। तो बस SN1 की कंडीशन अप्लाई कर दो भैया। करना क्या है, BR लिविंग ग्रुप यहां से रिलीज करो, BR को रिलीज करने के बाद जो कैटायन जनरेट होगा वो 1 डिग्री होगा। तो आपको मालूम है SN1 में रीअरेंजमेंट करना होता है, कैटायन को अपडेट कर लीजिए, ये मिथाइल यहाँ पे शिफ्ट करिए, शिफ्ट करने पे ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 3 डिग्री में, और जो 3 डिग्री है उसके ऊपर फर्दर आप अटैक करा दीजिए किसका, वाटर का। वाटर में आप जानते हैं OH अटैक करेगा, क्योंकि वाटर कंप्लीट अटैक करेगा, फिर उसमें से H+ लूज हो जाएगा। तो बोले तो ये प्रोडक्ट आपका बनना है 3 डिग्री अल्कोहल। अब आप ऑप्शन में चेक करिए कौन सा ऑप्शन परफेक्ट है। अब देखें तो सेकंड अपने को नहीं लेना, क्यों, क्योंकि उसने बिना रीअरेंजमेंट के सीधा ही डायरेक्ट OH को एंटर करा दिया है। यहां जाए तो यहां पे वो एल्कीन में कन्वर्ट कर रहा है, तो बोले तो एलिमिनेशन नहीं कराना, SN1 करानी है, हाइड्रोलिसिस कराना है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बेटा। फिर नन ऑफ दीज, एक अपने पास ये ऑप्शन पड़ा, बिल्कुल जैसा हमने प्रोडक्ट बनाया है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग, तो कहें तो ये ऑप्शन इसका परफेक्ट था, तो अपन नन ऑफ दीज में क्यों जाएं, आपके पास जिस टाइप की स्ट्रक्चर आपको चाहिए वैसा अवेलेबल है। ठीक है बेटा जी, तो ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, एन ऑर्गेनिक हेलोजन कंपाउंड विच इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशन। तो बेटा ये वैसे एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि एसी के अंदर या रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजिंग के पर्पज से, जो कूलिंग के पर्पज से जो गैसेज काम में ली जाती हैं वो BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, CCl4 पायरीन, फ्रेओन या क्लोरोफॉर्म कौन सी होती है। तो बोले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रेओन होते हैं वो आपके मॉलिक्यूल जो है वो रेफ्रिजरेशन पर्पज से काम आते हैं, और ओजोन डिप्लेटेशन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, जो क्वेश्चन है यहाँ एक मॉलिक्यूल गिवन है, एक अटैकर गिवन है। अब यहाँ पे अपने को पर्पज समझना है कि रिएक्शन कौन सी करवानी है। आपके सामने मॉलिक्यूल एरोमेटिक था और एक इलेक्ट्रोफाइल गिवन था, तो रिएक्शन कौन सी होनी है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये अगर आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल गिवन है, सामने वाला मॉलिक्यूल उसके लिए सब्स्टिट्यूट बन सकता है क्योंकि उसमें फिनॉल शो कर रहा है, फिनॉल के साथ अपन कहें तो मिथाइल सब्स्टिट्यूट, तो अब यहाँ पे आपको डायरेक्टिव इफेक्ट आना चाहिए। तो डायरेक्टिव इफेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका जो OH है वो प्लस R का या प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट का अपन कहें तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, बिल्कुल ऐसे ही ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो एक ही रिंग पे दो दो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग आ जाते हैं, तो अपन स्ट्रोंग वाले के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो यहां पे आपको मालूम है स्ट्रोंग कौन हुआ,
OH, क्योंकि रेजोनेंस से डोनेट कर रहा है रिंग को, तो ज्यादा रिच कौन सी लोकेशन होगी? OH वाली, ऑर्थो, ऑर्थो, और कहें तो पैरा तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। अगर ऐसा है तो आपके पास जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, उसमें ऑर्थो पे उसने नाइट्रो एंटर किया, तो ये ठीक लग रहा है मुझे, यही आंसर है। लेकिन अगर अपन आगे वाले बाकी ऑप्शन भी चेक कर लें, तो बाकी ऑप्शन में ये नाइट्रो मेटा पे आया, मेटा पे बोले तो OH के CH3 के ऑर्थो पे आया, पर डिसीजन गलत था क्योंकि CH3 के अकॉर्डिंग हमें जाना ही नहीं है। वजह, क्योंकि पुअर डोनर है वो। अब यहां जाओ तो यहां पे बेटा जी एक तो ये CH3 गायब कर दिया और दूसरा यहां पे नाइट्रो मेटा पे लगाया है, तो ये तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। नो रिएक्शन, क्यों? इलेक्ट्रोफाइल है, ESR का मॉलिक्यूल है, फिनॉल मॉलिक्यूल रिएक्टिव है, तो रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? चलिए आगे बढ़े अपन। इसके बाद एन एल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट विद KCN। भाई कोई हैलाइड RX है, KCN से रिएक्ट कर रहा है, गिव प्रोपेन नाइट्राइल। देखो प्रोपेन नाइट्राइल क्या है, 3 कार्बन की चेन में अगर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसे प्रोपेन नाइट्राइल कहेंगे। अब ये जनरेट कैसे हुआ है बेटा जी? RX के ऊपर KCN का रिएक्शन हुआ है। अब ये फेमस रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2 है। ये जो CN है, इस CN ने यहां अटैक किया है, इस X को यहां एज ए लिविंग ग्रुप निकाला है, तो R के ऊपर अटैक हुआ है। तो इसका मतलब वो जानना ये चाहता है कि R आप क्या लेना चाहते हो, क्योंकि CN तो आपका अटैक कर दे देगा। तो R में बेटा जी 2 कार्बन होने चाहिए। पहला ऑप्शन रॉन्ग है, कार्बन ही 3 है। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएं, 4 कार्बन, फिर यहां जाएं, 2 परफेक्ट है, आगे वाले पे जाएं तो 5। तो बेटा जी सीधी सी बात थी, अपने को सिर्फ कार्बन मैच करना था। अगर आपके पास यहां पे इथाइल ब्रोमाइड होगा तो CN का वो अटैक अगर अपन उस पे करेंगे तो BR को निकाल के वो यही प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब बात हो रही है बेटा जी NSR। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए मोर रिएक्टिव मॉलिक्यूल जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक हैलाइड दे रखा है, यहां भी हैलाइड गिवन है, यहां भी हैलाइड गिवन है, यहां भी हैलाइड गिवन है। ठीक है, NSR के लिए हैलाइड की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यहां इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जिन ऑप्शन को देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है, यहां एक कंसेप्ट बताया जाता है बेटा DBC का, डबल बॉन्ड कैरेक्टर का। जो हैलाइड है वो रिएक्शन को बेटर वे में तभी कर सकता है जब वहां पोलैरिटी अच्छी हो, लिविंग ग्रुप नेचर अच्छा हो। तो बेटा क्या है, जैसे अपन इस फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो इस CL को जैसे ही मैं इस सिस्टम से आउट करूंगा तो यहां आने वाला कैटायन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जो कैटायन जनरेट करोगे तो वो यहां पे क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा। अगर आप SN1 पैटर्न से जा रहे हो, हालांकि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है, उसने तो सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा है, तो आप SN2 भी सोच सकते हो। आप अगर इस कार्बन के ऊपर पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनाते हो तो वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगी। अब यहां जाओगे तो बेटा जी ये जो CL है इसका लोन पेयर यहां इस पाई के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो बॉन्ड में क्या जनरेट हो गया, DBC। ऐसे ही जो C6H5 है वो क्या है, बेंजीन ही तो है, बेंजीन पे क्लोरो है, तो वो भी रेजोनेंस में बिजी है। एज यूजुअल यहां देखो तो ये वाला जो क्लोरो है ये भी रेजोनेंस में बिजी है। तो बाकी तीनों के अंदर, फर्स्ट को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी तीनों में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और यहां पे अपन कहें तो रिएक्शन इजी गोइंग नहीं होगी, तो उसने मोस्ट रिएक्टिव कहा है। तो कंफर्म आपको आंसर कौन सा देना चाहिए, फर्स्ट देना चाहिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इन ऑर्डर ऑफ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है भाई, आपके पास कोई हैलाइड मॉलिक्यूल होता है, वहां पे हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल के आप एक एल्कीन में उसे कन्वर्ट करते हैं, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन है। तो आपके पास सारे हैलाइड गिवन है, इथाइल 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 क्लोराइड फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड। तो आप जानते हैं रिएक्शन NSR हो, रिएक्शन एलिमिनेशन हो, दोनों ही रिएक्शन के लिए लिविंग ग्रुप बेस्ट होना चाहिए। तो लिविंग ग्रुप के हिसाब से देखें आपके पास हैलाइड वेराइटी के सभी मॉलिक्यूल हैं, तो वहां अपन कहें तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो में से बेस्ट लिविंग कौन सा होता है, आयोडो। तो बोले तो यहां पे आयोडो फर्स्ट पे दिया, फिर ब्रोमो क्लोरो और फिर फ्लोरो, तो ये ठीक ऑप्शन लग रहा है। इसमें गड़बड़ है, आयोडो के बाद क्लोरो दे दिया फिर ब्रोमो दे दिया, रैंडम हो गया। एज यूजुअल फ्लोरो पहले दिया बिल्कुल गलत है, फ्लोरो पहले दिया बिल्कुल गलत है, तो बेस्ट लिविंग ग्रुप वाला कंसेप्ट लगाना है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग लिविंग होता है, तो आई किसका कॉन्जुगेट है, HI का, जबकि F किसका कॉन्जुगेट है, HF का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हुए आप लिविंग ग्रुप भी देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए भैया, नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल जो गिवन है बेटा वहां पे उसको रिएक्ट कराना चाह रहा है HBR, और एक प्रोडक्ट आपको बताना है। अब आपको देखना है कि HBR जो है वो यहां पे रिएक्ट किस पे करेगा, रिंग पे तो नहीं करेगा,
क्योंकि अपन कहें एरोमेटिक रिंग के ऊपर अपन एच बी आर एच एक्स की रिएक्शन नहीं कराते हैं, लेकिन ये जो आपके पास ओ एच है और ऊपर वाला जो ग्रुप है उनमें से अपन कहें तो रिएक्शन हो सकती है। ये वाला जो जोन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए बेस्ट है, क्योंकि अगर मैं इस बॉन्ड को यहां ओपन करता हूं तो कैटायन जो जनरेट होता है वो बेंजाइलिक होता है। तो कुछ ऐसा ऑप्शन भी है क्या? बिल्कुल, देखो ये इससे रिलेटेड इस वाले पोर्शन में कोई चेंज नहीं किया, एचबीआर ने यहां कोई रिएक्शन नहीं की, क्योंकि यहां तो करने का मतलब ही नहीं था, डबल बॉन्ड करेक्टर था, यहां कैसे रिएक्शन हो सकती है, नॉर्मल एल्कोहल थोड़ी था कि अपन वहां पे करवाते। यहां पे डीबीसी वाला कंसेप्ट फिर लग गया। यहां इस लोकेशन के ऊपर उसने बीआर दिया है, परफेक्ट है बेटा, क्लासिकल कार्बोकैटायन की रिएक्शन है, बेस्ट कैटायन यहां पे पहले बॉन्ड ओपनिंग से ही बन रहा है, तो ये आपका परफेक्ट ऑप्शन था। आगे वालों में मिस्टेक क्या है? बीआर की लोकेशन गलत है बेटा, बॉन्ड का जो ओपनिंग है वो बेटर कैटायन फॉर्मेशन से नहीं किया, तो इसलिए, और प्लस दूसरी बात इस ओएच को भी मिसिंग कर दिया तो गलत हो गया। इसमें जाओगे तो ये भी रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि ये बीआर की लोकेशन परफेक्ट नहीं, और इधर यहां पे ओएच ये जो था वहां पे भी रिएक्शन करा दी, डीबीसी पे भी, तो गलत था। यहां पे ये ठीक है लेकिन ये बीआर की एंट्री गलत करवाई है, क्योंकि यहां पे अपन ये बस देखना यही चाह रहा है कि अपन उस एचबीआर की, बिल्कुल ये रिएक्शन होती है, आप एल्कोहल को एचबीआर से रिएक्शन कराएं तो बिल्कुल ये एचओएच निकल के हैलाइड बनता है, SN1 टाइप की रिएक्शन होती है, पर वो जो एल्कोहल पे होती है फिनोलिक ग्रुप पे नहीं होगी, तो बोले तो इस वजह से अपने को फर्स्ट ऑप्शन देना था। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा जी, ये मॉलिक्यूल गिवन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, फाइनल प्रोडक्ट तक जाना है। देखो क्या दिया था आपको, दिया गया था ब्रोमो प्रोपेन। एल्कोहलिक ओएच किसके लिए जाना जाता है? एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन। तो बेटा जी यहां से या यहां से आप H ले लीजिए, E2 एलिमिनेशन कराना है तो, हालांकि दोनों सेम है, SHF हॉफमैन का कोई चक्कर नहीं है, तो ये H, ये BR निकलेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा? प्रोपीन। प्रोपीन बनने के बाद आपने उसे क्या प्रोवाइड कराया? HBr परोक्साइड। तो बहुत फेमस रिएक्शन है बेटा जी, HBr है, परोक्साइड है, मतलब खराश इफेक्ट की बात है, AMKR प्रोडक्ट बनने की बात आती है। इन दोनों में जो रिएक्टिव स्पीसी होती है वो बीआर फ्री रेडिकल होती है, क्योंकि एचबीआर में होमोलिसिस करवा देता है परोक्साइड। अब ये जाकर के वहां स्टे करना चाहता है जहां से इंटरमीडिएट अच्छा हो, यहां स्टे करेगा तो फ्री रेडिकल बेटर होगा बेटा, 2 डिग्री बनेगा, इसलिए इसको कहते हैं AMKR एंट्री करना, क्योंकि अगर सिर्फ HBr आता तो BR 2 डिग्री पे जाता, बस यही देखना था इसमें। तो यहां पे क्या हुआ, 3 कार्बन की चेन में टर्मिनल कार्बन पे ब्रोमो की एंट्री होगी। होने के बाद अगली रिएक्शन भी मोस्ट फेमस है भाई, NaI एसीटोन वाला जो रिएक्शन है, इसको क्या कहते हैं? फिनकेल्स्टीन रिएक्शन, हैलाइड से हैलाइड में कन्वर्जन। तो बोले तो ब्रोमो को निकाल दो, आयडो वहां पे एंटर करेगा, SN2 टाइप की रिएक्शन होगी, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा आयडोप्रोपेन। तो अगर अपन देखें तो फर्स्ट ही ऑप्शन में आपको आयडोप्रोपेन दिया हुआ है, सेकंड में टू आयडो दिए हैं, गलत है। फिर अपन कहें तो यहाँ पे इसने डबलिंग कर दी चेन की, ये भी गलत है। यहां जाओगे तो भी 2 आयडो दे दिए, ये भी नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन। अब बेटा जी अगर अपन SN2 का बात याद करें तो क्या होता है, एक जो सबस्टेट मॉलिक्यूल है उसमें न्यूक्लियोफाइल की एंट्री RDA स्टेप में ही होने लगती है, बैक साइड से एंट्री करता है, लिविंग को निकालता है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट बनते हुए रिएक्शन होती है। मतलब SN2 को बेस्ट कराने के लिए कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल जो है वो बैक साइड में क्राउडेड नहीं होना चाहिए। तो अगर अपने चारों मॉलिक्यूल में कंपेयर करें, फर्स्ट मॉलिक्यूल क्या गिवन है थोड़ा डिटेल में लिख लो, CH2 दिया है, तो 3 कार्बन की चेन ये थी, फिर ये वाला था, मतलब बैक साइड में कार्बन चेन की लेंथनिंग तो है बट फिर भी अपन कहें तो स्पेस रहेगा। एज कंपेयर किसके, नेक्स्ट वाला देखो CH3 2, तो CH3 2 है, तो यहां पे ये कंडीशन आ गई, ये थी। तो बेटा जी यहां पे ये जो ब्रांचिंग बन रही है ये एक तरह का क्राउड फैक्टर का काम करेगी। यहां पे आपने बिल्कुल इसके पास वाले कार्बन पे क्राउडिंग जनरेट कर दी और यहां सबसे ज्यादा कर दी, तो आप जैसे ऊपर से नीचे गए तो क्राउडिंग आपको नजर आ रही है, क्योंकि SN2 में बैक अटैक होना होता है तो क्राउडिंग मिनिमाइज होनी चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप जब फर्स्ट की साइड जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखो बेटा, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका 1 2 3 4 था, बाकी चेक कर लो ये गलत क्यों था, क्योंकि बोले तो मिनिमम क्राउड वाले को नहीं लिया इसने, ये भी गलत था, ये भी गलत था। चलिए भाई आगे देखते हैं, अपन आते हैं यहां, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड गिव द बेस्ट यील्ड ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। देखो पहले तो टारगेट पे आ जाओ, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर,
मतलब वो कह रहा है कॉमन नेमिंग, ईथर की कॉमन नेमिंग कह रहा है, पहले एक रेडिकल का नेम दे दिया, फिर दूसरे का दे दिया, ईथर बता दिया, टर्शियरी ब्यूटाइल है, मिथाइल है, ईथर है, ये पर्पज है अपना, ये प्रोडक्ट अपने को जनरेट करना है, कौन सी रिएक्शन इनके लिए सुटेबल है। बेटा जी आपको फर्स्ट वाले में गिवन है 3 डिग्री एल्कोहल, बल जो कंडीशन गिवन है मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर अपना ऐसा प्रोडक्ट जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि वो एलिमिनेशन की कंडीशन है बेटा, हीट दे दी है, एल्कोहल है, 3 डिग्री है, 3 डिग्री में वैसे भी एलिमिनेशन डोमिनेट होता है, तो आप इस प्रोडक्ट तक नहीं जा पाओगे, पहला ऑप्शन छोड़ दीजिए। दूसरे ऑप्शन पे गए अपन, तो दूसरे ऑप्शन में भी वही 3 डिग्री एल्कोहल है, बट अटैक किसका कराया जा रहा है, मेथेनॉल का, हीट में। देखो अकेला मेथेनॉल आता तो मेथेनॉल ने यहां एज ए न्यूक्लियोफाइल जाना था और इसे एज ए लिविंग निकालना था, SN1 होनी थी, लेकिन हीट साथ में दे देता है, इसका मतलब यहां एलिमिनेशन का पार्ट भी रहेगा, HOH दोनों रिएक्शन होंगी, NSR वर्सेज एलिमिनेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन कंफर्म है ऐसा तो नहीं बनेगा, छोड़ दीजिए। फिर आ जाइए बेटा थर्ड जो मॉलिक्यूल है उसमें आपको दिया गया है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड और उसके ऊपर अटैक कराया गया है सोडियम मेथोक्साइड का। तो देखो ये रिएक्शन मोस्ट फेमस है विलियमसन, लेकिन विलियमसन की कंडीशन भी यही होती है कि आपका जो सबस्टेट है वो 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री में प्रोडक्ट का यील्ड अच्छा आता है, वरना वो जो न्यूक्लियोफाइल आपने भेजा है वो न्यूक्लियोफाइल ना बन के बेस का काम करता है और सिस्टम में से बीटा एच को निकाल के इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करके एज ए मेजर प्रोडक्ट हमें एल्कीन देता है। तो इसका मतलब आंसर कौन सा श्योर हुआ, फोर्थ। लेकिन फोर्थ क्यों वो भी जान लो भाई, क्योंकि बाकी 3 नहीं है तो फोर्थ होगा। चेक करते हैं क्या था बेटा, ये आपको दे दिया उसने टर्शरी ब्यूटोक्साइड, ठीक, और अटैक करने को बोला CH3Br के ऊपर, बिल्कुल ठीक है भाई। अब इस मॉलिक्यूल में आपको मालूम है एलिमिनेशन का कोई चांस ही नहीं है, बीटा एच है ही नहीं कि ये वहां पे बेस का रोल प्ले करे, इसके पास एक ही ऑप्शन है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करना और लिविंग ग्रुप निकालना, मतलब थर्ड फोर्थ कंपेरेबल रिएक्शन थी बेटा, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल होता है, तो बोले तो ये आपके पास क्या होगा, बिल्कुल अटैक करेगा और अपना टारगेट भी पूरा करेगा, तो इसलिए फोर्थ आया, ठीक। चलिए बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, आपको तो सिर्फ बताना है कि उसमें GR ग्रीन यार रिएजेंट के कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम हुए। देखो बेटा यहां पे एसिड हैलाइड था जिसको आपने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, एसिड हैलाइड था जिसको आपने एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो नो डाउट यहां पे 2-2 मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पहले एक CL निकलता है और CH3 एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एंटर करता है, कीटोन बन के फिर उस पे दोबारा अटैक होता है, तो 2 मॉलिक्यूल का यहाँ 2 यहाँ, बस यहाँ पे मिसिंग जो रहता है वो ये वाला, 4 तक काउंटिंग सारे कर लेते हैं, पर एक्चुअल में जो GR होता है उसकी एसिड बेस रिएक्शन काफी फास्ट होती है, मुझे लगता है इन दोनों रिएक्शन से पहले वो वाली होगी, तो बोले तो यहाँ जो CH3 है वो यहाँ से HH लेकर के क्या करेगा, मेथेन का फॉर्मेशन करेगा, तो लेकिन अब बात यह है कि प्रोडक्ट में वो रिकवर हो रहे हैं, रिकवर क्यों हो रहे हैं, क्योंकि लास्ट में आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो वो रिकवरी ले लेगा, लेकिन आपको दिखाना यही होगा जब रिएक्शन शुरू करोगे तो इस एच और इस एच इन दोनों को आप पहले रिमूव करके मेथेन बनाओगे, सॉल्ट बनाओगे, फिर यहां रिएक्शन करोगे और लास्ट के हाइड्रोलिसिस में ये क्या हो जाएगा, रिकवर। तो 4 यहां 2 वहां, टोटल 6 अपन कहें तो यहां आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद मॉलिक्यूल गिवन है, यहां कंडीशन गिवन है Br2Fe, बोले तो लेविस एसिड के अंदर Br2 दिया है, इसका मतलब Br+ का प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल का, सामने वाला मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का है। अब दो ग्रुप उसके ऊपर ऐड है, एक अपन कहें तो कौन सा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, एक अपन कहें तो कौन सा, मेटा डायरेक्टिव। अगर ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिव होते हैं तो हम उसको देखेंगे जो रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, तो एक्टिवेट तो बेटा जी OH कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑर्थो ऑर्थो और पैरा पे अटैक बनता है। अब ऑप्शन चेक करो, पहले ऑप्शन पे पैरा पे ब्रोमो की एंट्री कराई, ठीक है, अगले ऑप्शन में जाओ तो ब्रोमो की एंट्री मेटा पे कराई, मतलब CHO की मानी, बिल्कुल गलत भाई, CHO की कैसे मान सकते हैं अपन, अपने को अटैक कराना OH के अकॉर्डिंग, तो OH कभी भी मेटा पे इन्वाइट नहीं करेगा उसे। यहां देखो ट्राई ब्रोमो, अब ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनाना है तो पहली बात तो ब्रोमीन वाटर लेना पड़ता है बेटा, हो सकता है ब्रोमीन वाटर ले लो या फिर KBrO3 HBr के साथ रिएक्ट करा दो, तब ऐसा पॉसिबल है, लेकिन उसमें भी बेटा CHO कैसे वहां से रिमूव होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। नो रिएक्शन की बात ही नहीं, आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन पड़ा है, पैरालोगेशन पे अटैक हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये मॉलिक्यूल गिवन है, एक ईन गिवन है और ईन के ऊपर जो रिएक्शन करवाना चाह रहा है वो कौन से वाली,
एक फेमस रिएक्शन होती है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन AMKR वाटर ऐड कराना होता है। तो आपके पास जो एल्कीन गिवन है आपको सिर्फ रिएक्शन यहां करानी है, क्योंकि BH3 आएगा साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन करेगा, तो कोई रीअरेंजमेंट पे तो जाना ही नहीं। आपको सिर्फ इस डबल बॉन्ड के ऊपर ये जो कार्बन है टर्मिनल वाला 1 डिग्री वाला वहां OH एंटर कराना है। ठीक, तो यहां देखो भाई पहले ऑप्शन के अंदर ये वाला जो पूरा ग्रुप था वो मेंटेन रखा, लेकिन ये 2 डिग्री पे OH लेके आया। हमें 2 डिग्री पे नहीं 1 डिग्री पे लाना है, क्योंकि इसकी कंडीशन, क्योंकि ये जो बनाया है ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का प्रोडक्ट नहीं चलेगा। यहां जाएं अपन तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो रीअरेंजमेंट करने लगा, BH3 रीअरेंजमेंट होने नहीं देगा, नॉन क्लासिकल की रिएक्शन है। यहां जाओगे ये भी नहीं चलेगा, वजह उसकी क्योंकि आपके पास जो मॉलिक्यूल गिवन था यहां पे 3-मिथाइल थे, उस वाले एरिया में क्यों चेंज होगा, उस ग्रुप पे कोई चेंज हो ही नहीं रहा, रिएक्शन सिर्फ इस डबल बॉन्ड पे हो रही है। तो ये वाला जोन जो था वो सेम था और डबल बॉन्ड के 1 डिग्री पे OH 4 ऑप्शन में है। तो ये आपका फाइनल आंसर है भाई। तो ये वैसे तो ठीक है, इसका मैकेनिज्म रहता है, आपके पास कोई ईन होती है, ईन के ऊपर जब आप BH3 की रिएक्शन करवाते हैं तो ये बॉन्ड ओपनिंग से उसके ऊपर अटैक होता है, अटैक होने के बाद कुछ ऐसी कंडीशन बनती है, बोरोन यहां रहेगा, उसी का एक एच यहां पे क्या बनाएगा, सिन ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, और फिर फाइनली ये रिएक्शन बार बार होती है और लास्ट में जहां बोरोन होता है वहीं पे क्या आता है, OH आता है। ठीक है, चलिए भाई आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में आपको यहां जाना है, बी प्रोडक्ट बनाना है। तो देखो क्या है, पहले आपको दिया है 1 और 2 लगा करके देता है, इसका मतलब पहले एक रिएक्शन कंप्लीट कर लो फिर सेकंड पे जाओ। तो भाई आपके पास जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, 4 का एक अल्कोहल है जिसके सेकंड नंबर पे OH था। ठीक, आपने जब PBr3 की रिएक्शन कराई तो PBr3 SN2 टाइप से अल्कोहल पे रिएक्ट करेगा, इस OH को कट करके Br की एंट्री करेगा, मतलब यहां पे P2 ब्रोमो ब्यूटेन प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर आपको गिवन है MgEther, MgEther आप जानते हैं क्या करेगा, हैलाइड के अंदर Mg का ये इंसरेशन जो है वो इसे कन्वर्ट कर देगा एक हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल में, जिसको अपन कहते हैं Gr, ग्रीनियर रिएजेंट। ठीक, अब वो Gr जो बना उसको अपने को रिएक्शन करवाने को कह रहा है किसके साथ, प्रोपेनल के साथ। तो बिल्कुल कार्बोनिल मॉलिक्यूल पे Gr का अटैक होने से अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, तो ये जो इसकी न्यूक्लियोफिलिक साइट है यहां से आप अटैक करा दीजिए यहां, और उसको कन्वर्ट कर देना बाद में हाइड्रोलाइसिस से अल्कोहल में। तो ओवरऑल कैसा सा प्रोडक्ट होगा, ये जो आपकी 3 कार्बन की एल्डिहाइड की चेन थी वहां पे OH बनेगा, और अटैक किसका होगा, ये वाला जो कार्बन अटैक कर रहा है इसकी एक साइड में तो इथाइल है और एक साइड में मिथाइल, मतलब इस टारगेट ने अटैक किया और उसके दोनों साइड की वैलेंसी मैंने कंप्लीट कर दी। अब आपको इन ऑप्शन में देखना है, तो देखो अपने इस पैटर्न से थोड़ा रिएक्शन जो करी, अब अपने प्रोडक्ट तक जाने का बेस्ट अप्रोच है कि आप उसकी लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लो, कितने की है, ये लो 6 की, और 6 में अगर अपन कहें तो नंबरिंग का डायरेक्शन क्या रहेगा, इधर से आइए क्योंकि ऑल 3 पे आ रहा है, तो 1 2 3 4, 4 पे मेथिल है, 5 6 6 का अल्कोहल है जिसमें 3 पे ऑल हो, तो बोले तो ये ऑप्शन तो जा नहीं सकता क्योंकि ऑल कहां है, 1 पे। ये ऑप्शन अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल परफेक्ट है, जैसा हमें चाहिए वैसा है। यहां गए अपन तो यहां 1 1 2 3 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें मिथाइल नहीं आया इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। यहां जाओगे तो यहां पे 3 पे अल्कोहल आ गया, पर यहां से अगर देखोगे तो ये 2 पे मिथाइल आया, अपने पास 2 पे मिथाइल वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। तो अगर आप अपने तरीके से रिएक्शन करवाते हैं तो फिर आप उसको नेमिंग के थ्रू मैच कर लीजिए आपका ऑप्शन कौन से वाला है। तो यहां जो रिएक्शन करवाई है उसने, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने। चलिए नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताना बेटा। देखो यहाँ H3PO4 गिवन है, अल्कोहल गिवन है, और नीचे चारों ऑप्शन में एल्कीन गिवन है, तो एक मोस्ट फेमस रिएक्शन है एलिमिनेशन, इवन रिएक्शन होगा क्या यहाँ पे, आपका जो मॉलिक्यूल गिवन है उस मॉलिक्यूल के अंदर हम कहें तो सबसे पहले H+ आएगा H3PO4 एसिड का, क्योंकि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम भी करेगा, कैटलिस्ट का काम भी करेगा, तो इस OH को एज ए लिविंग ग्रुप यहां से रिमूव कर लेगा, रिमूव करेगा तो आपके पास कार्बोकैटायन जो जनरेट होगा वो 1 डिग्री। अब वो 1 डिग्री अपने आप को अपडेट करेगा क्योंकि रिएक्शन इवन पैटर्न से हो रही है, तो अपडेट के भी 2 ऑप्शन हैं, आप इसको 3 डिग्री बनाना चाहते हैं, आप इसको रिंग एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में अगर रिंग ओपनिंग का चांस हो, 3 4 से 5 5 से 6 जाने का चांस हो, तो बिल्कुल हम ऐसा करते हैं। तो ये बॉन्ड ओपन किया, रिंग ओपनिंग से रिंग कितने की हो गई, 6 की, ये कार्बन रिंग में आ गया,
तीन, एक कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब पॉजिटिव आया तो भाई फाइनल एलिमिनेशन करवाएं। आपके पास दो टाइप के एच हैं, पर दोनों सेम है, सेजेफ हॉफमैन का कोई चक्कर नहीं है। तो ये एच यहां से लूज होने के बाद ये आपकी एल्कीन बनेगी, जिसको अपन साइक्लोहेक्सीन कहते हैं। ऑप्शन देख लो भाई, साइक्लोहेक्सीन का आपके पास यही वाला ऑप्शन था। ठीक है, और बाकी ऑप्शन पे तब जा सकते हो अगर आपने प्रॉपर रीअरेंजमेंट नहीं किया। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड। देखो क्या होता है, ये मॉलिक्यूल होता है क्यूमीन, और क्यूमीन को अगर मैं फिनोल में कन्वर्ट करना चाहूं, एसीटोन में कन्वर्ट करना चाहूं, तो इसको कहते हैं क्यूमीन फिनोल प्रोसेस। इस क्यूमीन फिनोल प्रोसेस में होता क्या है, पहले स्टेप में O2 से रिएक्शन होती है, फिर हाइड्रोलिसिस होता है। ठीक, तो उसमें O2 जो है वो इस क्यूमीन के इस सेंसिटिव वाले बॉन्ड के अंदर, बेंजाइलिक लोकेशन हाई रिएक्टिव लोकेशन होती है, वहां पे इंसरेट करता है। तो बोले तो बस आपको उसकी स्ट्रक्चर देखनी थी, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, या ये वाली परफेक्ट है। तो अगर अपन देखें तो एक तो भाई O2 जाएगा तो OO बॉन्डिंग परोक्सी बॉन्डिंग होनी चाहिए, बिल्कुल वो परोक्सी बॉन्डिंग यहां भी है, वो परोक्सी बॉन्डिंग यहां भी है, बाकी दोनों में तो है नहीं, तो उनको तो वैसे ही छोड़ दो, क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड जो बनाना आपने। अब इन दोनों में देखो स्ट्रक्चर से मैच क्या करता है, ये कार्बन है, कार्बन पे 2-मिथाइल है, ये कार्बन, कार्बन के 2-मिथाइल भी है, और ये परफेक्ट था, लेकिन यहां पे मिसिंग क्या है, इस कार्बन का जो एक मिथाइल था वो मिसिंग है। तो इसलिए अपने को आंसर कौन सा लेना है, बस थोड़ा सा टेक्निक दिमाग में है तो उसमें से अपने को ये भी देखना आना चाहिए कौन सा ऑप्शन है कौन सा नहीं है। तो एक जैसे दिखने वाले ऑप्शन पे भी थोड़ा सा काम करेंगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। चलिए भाई, फॉर द रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, भाई एक अल्कोहल पे HX की रिएक्शन करा के हैलाइड बना रहा है, SN1 पैटर्न की रिएक्शन है बेटा, और SN1 पैटर्न की रिएक्शन है, तो यहां जो HX है आपको मालूम है H जो है यहां OH को लिविंग ग्रुप बना के रिलीज करेगा, फिर X का अटैक होना है। तो इसका मतलब HX की जो एसिडिटी है, एसिडिक बिहेवियर का जो ऑर्डर है वही इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आएगा। तो पहला ऑर्डर गलत है, HCl जो है HI से बेटर एसिड नहीं होता, HI HBr HCl ठीक है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। पी ब्लॉक के जो हाइड्राइड होते हैं वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करते हैं, और यहाँ पे वजह होती है इसका साइज, HI का बॉन्ड की लेंथ अच्छी होती है तो इजीली प्रोटॉन लूज होता है, तो प्रोटॉन लूज करेगा तो रिएक्शन जो है वो इजी गोइंग होगी। चलिए भैया नेक्स्ट देखिए, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल गिव द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब बेटा एलिमिनेशन की बात कर रहा है, और एलिमिनेशन में अपन कहें तो बेस्ट कैटायन कौन फॉर्म करेगा, पहले जो मॉलिक्यूल गिवन है स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, 2-methyl-1-propanol, ये लो बेटा ये 1-propanol है, ये 2-methyl है, सेकंड क्या कहता है 2-methyl-2-propanol, ये 2-propanol है, 2-methyl है, फिर थर्ड में जाओ 1-butanol, ये आपका 1-butanol था, लास्ट में जाइए 2-butanol, ऐसा सा 2-butanol होता है। अब आप जब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया बेटा, इस OH के जाने पे कैटायन 1 डिग्री है अपना आंसर नहीं है, यहाँ पे 1 डिग्री है अपना आंसर नहीं है, यहाँ 2 डिग्री है अपना आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 डिग्री का ऑप्शन था। जब 3 डिग्री है तो हम 1 डिग्री को, 1 डिग्री को, 2 डिग्री को क्यों ले, बेस्ट कैटायन लेंगे ना भाई एलिमिनेशन में, तो इसका मतलब ये ले लीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आपके पास था ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया है, नेक्स्ट पे आइए, ऑर्डर ऑफ एस्ट्रीफिकेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल एस्ट्रीफिकेशन का ऑर्डर बताना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में से क्या बेस्ट होता है। देखो पहले रिएक्शन पे जाइए, एस्ट्रीफिकेशन होता क्या है, ये बेटा जी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एल्कोहल है, इसको मिनरल एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाते हैं, तो एक रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में दोनों मोलिक्यूल वैसे NSR के मोलिक्यूल है, बट ये जो मोलिक्यूल है वो एसाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मोलिक्यूल होता है, जबकि ये एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मोलिक्यूल होता है, पर दोनों में से डोमिनेट NSR जो होती है वो एसाइल होती है। तो यहाँ पे एल्कोहल को एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एंटर करके इसको लिविंग ग्रुप निकालना होता है और उसका खुद का एच जाता है, ये इसका एस्ट्रीफिकेशन का पैटर्न। तो बस ये समझ में आता है, तो फिर सिंपल सी बात है, अगर वो न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर रहा है रिएक्शन में तो न्यूक्लियोफाइल बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि NSR रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल बल्कि होते हैं तो रिएक्टिविटी कम होती है। तो बल्कि कब होगा, जब ये आर चैन लेंथनिंग वाली होगी, क्राउड बढ़ेगा, और वो क्राउड कब बढ़ेगा 3 डिग्री में, तो 3 डिग्री रिएक्टिव नहीं होता बेटा, यहाँ पे ये रॉन्ग है, यहाँ पे भी अपन कहें रॉन्ग है, ये बेस्ट है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने में भी अपन इसको काम में लेते हैं। चलिए भाई
नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल रिएक्ट विद मोस्ट रेडिली विद ल्यूकास रिएजेंट। भाई होता क्या है पहले तो ये जानिए, एल्कोहल को आप HCl ZnCl2 ल्यूकास रिएजेंट से जब रिएक्शन करवाते हैं तो उसका OH कट होकर के एल्किल क्लोराइड बनने की रिएक्शन होती है। रिएजेंट को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, टेस्ट को ल्यूकास टेस्ट कहते हैं, और अपन कहें तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी वाई टर्बिडिटी जनरेट होती श्वेत आविलता, और वो वाई टर्बिडिटी जनरेट होने का जो टाइमिंग है वो जिसमें जितना कम रहता है बोले तो 3 डिग्री अल्कोहल में। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो SN1 को फॉलो करती है, तो OH कटने के बाद कैटायन जितना बेस्ट होगा उतनी ही रिएक्टिविटी अच्छी आएगी। तो बस आपको देखना क्या है, ल्यूकास में अपन कहें तो मोस्ट रेडिली विद ल्यूकास मोस्ट रिएक्टिव कौन से वाला है, तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री और 1 डिग्री है, तो कंफर्म अपन किसको लेंगे, 3 डिग्री को। ल्यूकास के अंदर इमीडिएट टर्बिडिटी 3 डिग्री की आती है। चलिए बेटा नेक्स्ट, आपको एक कन्वर्जन करके दिया, एक अल्कोहल गिवन है उसको फर्दर नेक्स्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर रहा है, तो कौन सा वाला रिएजेंट का सेट इसके लिए परफेक्ट होगा। देखो सबसे पहले वाला रिएजेंट क्या कहता है, उसका फंक्शन क्या है, ये एक अपन जानते हैं क्या करता है, सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन, 1 डिग्री को एल्डिहाइड बनाता है बट एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देता, फिर 2 डिग्री है तो कीटोन बनाएगा, 3 डिग्री पे अपन कहें तो एल्कीन बनाएगा, ये इसका कैटेलाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन वाले रिएजेंट का फंक्शन था। क्लियर? तो उस लिहाज से मैं सोचूं तो जब इस रिएजेंट को यूज करूंगा तो ये मेरा 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मेरा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद आपने नेक्स्ट उसका अटैक किसका कराया, क्योंकि जब पहली रिएक्शन पूरी हो जाएगी फिर दूसरी आएगी, तो उसमें से इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है वो जब यहां अटैक करेगा, इसको ओपन करेगा तो अल्कोहल ही तो बनाएगा, तो बोले तो इस कार्बन पे अल्कोहल बन जाएगा जैसा इसने शो कर रखा, और इथाइल का ही अटैक है, तो इसका मतलब पहले वाली थीम परफेक्ट है। चलो फिर बाकियों पे चेक करें, बाकी में क्या प्रॉब्लम है। बेटा जी आपकी सेकंड वाली जो थीम है उसके अंदर आपने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने ये जो एसिडिक मीडियम ले लिया वो इसको एल्डिहाइड तक स्टे नहीं करने देगा, इसे एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर ये एसिड में कन्वर्ट होता है आपका मॉलिक्यूल, अगर यहां पे आप एसिड लेते हैं तो एसिड पे जब आप जीआर की रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, इथाइल इस एच को लेकर के एथेन बनाएगा, तो इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। वही प्रॉब्लम आपके KMnO4 में है, क्योंकि वो भी क्या करेगा, एल्डिहाइड तक स्टे नहीं करने देगा, और वही प्रॉब्लम सोडियम डाइक्रोमेट में होगी, तो इसलिए आपका ये बेस्ट ऑप्शन कौन सा था, फर्स्ट वाला। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल विल बी इन ऑर्डर। भाई डिहाइड्रेशन एल्कोहल का जो है वो कौन सी रिएक्शन होती है बेटा, ईवन। ईवन रिएक्शन में अपने को क्या देखना है, लिविंग ग्रुप निकाल के कैटायन की स्टेबिलिटी। जब मैं इस OH को निकालता हूं तो यहां जो पॉजिटिव आता है उसे ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन या आई इफेक्ट का सपोर्ट मिलता है बोथ साइड से। अगर मैं इस OH को निकालता हूं तो यहां पे जो प्लस आएगा उसको पाई बॉन्ड का रेजोनेंस मिल रहा है, क्योंकि वो एलाइलिक कैटायन बन रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन भी। यहां तो बेटा जी इसे निकालना बस सोचने वाली बात, निकालना है ही नहीं, क्योंकि यहां पे तो क्या DBC है, डबल बॉन्ड करेक्टर है, और इसमें आप एलिमिनेशन करा के क्या बनाना चाहते हो, इसके एलिमिनेशन के बाद बेटा जी बेंजाइन बन जाएगा, तो बेंजाइन कोई प्रोडक्ट थोड़ी होता, इंटरमीडिएट है, ऑर्डर लगाना अलग चीज है, पर रियल में अपन कहें तो एलिमिनेशन में आएगा ही नहीं। ये अपन कहें तो जो प्लस आया उसको 2π का रेजोनेंस मिला, तो मुझे लगता है पूरे ABD में बेस्ट कौन हुआ, डी, फिर बी, फिर ए, वजह 2π का रेजोनेंस, 1π का रेजोनेंस, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन, तो डी बी ए और लास्ट में क्या लगा दीजिए, सी। तो अपन देखे कहां पे है सबसे बेस्ट, डी। डी अपने को दिया, डी के बाद किसे दिया, सी दे दिया, डी के बाद सी नहीं देना, डी के बाद हमें बी देना था इसलिए गलत है। फिर अपन कहें डी बेस्ट किस में है, इसमें डी बेस्ट है, डी के बाद क्या है, फिर क्या दिया हुआ है, सी को, तो इसका मतलब अपन इसको भी नहीं ले सकते। फिर डी के बाद अपन कहें तो बी दिया, डी के बाद बी दिया है, बी के बाद ए दिया है, फिर अपन कहें तो सी, तो ये आपका परफेक्ट आंसर था, और यहां पे ए ही सबसे अच्छा दिया है मतलब ये वाला मॉलिक्यूल, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट व्हेन कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो सोडियम बोरोहाइड्राइड एक माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कंपैरिजन में कहें तो वीक है, तो अपने को मालूम होना चाहिए इसके फंक्शन क्या होते हैं, बस ये उस पे बेस्ड है। आपका मॉलिक्यूल गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, आपको देखना है सोडियम बोरोहाइड्राइड कहाँ इंटरेक्ट कर सकता है, क्या वो एल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, बिल्कुल हाँ, एल्कोहल में। कीटोन का करता है, बिल्कुल करेगा। क्या वो एसिड डेरिवेटिव्स का करता है, नहीं, एसिड हैलाइड होता तो अलग बात है, बाकी के केस में अगर अपन कहें तो पॉसिबल नहीं है,
एस्टर के केस में अपन कहें तो उसका रिडक्शन नहीं करने वाला, तो इन दो का करना है। तो अब अपने ऑप्शन में चेक करो क्या एल्डिहाइड रिड्यूस हो गया, नहीं हुआ छोड़ दो, यहीं से छोड़ दो, क्योंकि कीटोन भी नहीं हुआ एल्डिहाइड भी नहीं हुआ तो फिर क्या देखना है। आगे बढ़िए, एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, कीटोन एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, एस्टर मेंटेन रहा, यही हम चाहते थे, यही अपना आंसर है। आगे चलो, एल्डिहाइड मेंटेन रह गया, रिडक्शन नहीं हुआ छोड़ दीजिए। यहां देखो एल्डिहाइड तो हो गया बट कीटोन नहीं हुआ, फिर भी छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए अपना आंसर कौन सा आया, सेकंड। तो रिडक्शन के क्वेश्चन में कुछ इस तरह का रहता है, प्रोडक्ट गिवन होता है, अपने को उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। तो नेक्स्ट देखें अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट गिव आयडोफॉर्म टेस्ट। अब ये आयडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, आयडोफॉर्म टेस्ट में कहते हैं अल्फा मिथाइल ग्रुप कंटेनिंग कार्बोनिल या फिर अल्फा मिथाइल कंटेनिंग एल्कोहल, अल्फा मिथाइल कंटेनिंग हैलाइड जो होते हैं वो ये रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि बेसिकली रिएक्शन इसकी है जिसमें ये मिथाइल ग्रुप हेलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, बाकी ग्रुप एसिड के सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। इसमें सबस्ट्रेट के बहुत सारे ऑप्शन मिल सकते हैं, हो सकता है कि वो एक एल्कोहल हो सकता है कि वो अल्फा मिथाइल वाला क्या हो, एक हैलाइड हो, एसिड डेरिवेटिव इसमें यूज नहीं होते, बस ये कंडीशन आपको याद है। तो देखो क्या है, हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये आपके पास एल्कोहल है बट उसके अल्फा पे मिथाइल है तो हेलोफॉर्म कर देगा। यहाँ पे अपन कहें तो बिल्कुल ये एक एल्कोहल है जिसके अल्फा पे मिथाइल है, यहाँ भी अपन कहें तो एल्कोहल है बट मिथाइल दोनों साइड में नहीं, मिथाइलिन है, यही आपका आंसर है, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विल नॉट गिव, ये ध्यान देना भाई, क्योंकि पहला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल हेलोफॉर्म शो कर रहा है, ये भी कर रहा है क्योंकि एल्कोहल के अल्फा पे मिथाइल है, तो इसलिए आपका आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट कहें, इन द रिएक्शन, रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होगा ये बताना है। देखो बेटा यहां ईथर गिवन है, HBr गिवन है, देखो ये जो HX है वो एल्कोहल से भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, ईथर से भी करता है, एल्कीन पे एडिशन भी करता है। रिएजेंट का एक कंपैरिजन भी अपने को मालूम होना चाहिए कि कौन से रिएजेंट की कहां रिएक्शन होनी है। तो यहां पे रिएक्शन क्या होगी, ये जो मॉलिक्यूल गिवन था उसके अंदर अपन को HX की रिएक्शन या HBr जो स्पेशली गिवन है उसकी रिएक्शन करानी। आपको मालूम है इस बॉन्ड का यहाँ पे तो चल रहा है डीबीसी, तो इधर से तो बॉन्ड ब्रेक होने से रहा, तो बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक कर दो, इधर लगा दो बीआर, इधर लगा दो एच, तो इसका मतलब मेथिल ब्रोमाइड और वोफिनॉल बनेगा, बस यहाँ पे ये देखना था। और ठीक यहाँ पे क्या है, यहाँ रिंग के ऊपर बीआर लगा रहा है, ये तो बिल्कुल गलत, क्योंकि कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी, आप इलेक्ट्रोफाइल थोड़ी, यहाँ पे ये जो बीआर है, बीआर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम नहीं कर रहा, एच प्लस है और बीआर न्यूक्लियोफाइल है, ये तो होगा ही नहीं। और ये जो प्रोडक्ट है ये इसलिए गलत है क्योंकि इसने डबल बॉन्ड कैरेक्टर का ख्याल नहीं रखा, ये वाला भी गलत है क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर का ख्याल नहीं रखा, ये परफेक्ट है भैया इसके साथ ये जो दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये अपने पास क्वेश्चन हो गए भाई, अपना जो सॉल्यूशन जो था पेपर का, आपके कुछ डाउट रहे होंगे वो सॉल्व हो गए होंगे, तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, लगे रहिए अपने आप को और फिनिशिंग दौर में लाइए जितना आपने कर लिया है, क्योंकि हमेशा इसकी गुंजाइश रहती है कि हम अपने आप को और अपडेट करें, और वो अपडेट करने का तरीका आपके साथ सीएलसी की ये जो टेस्ट सीरीज है बिल्कुल आपको अपडेट कर रही होगी, रेगुलर बूस्ट कर रही होगी, तो हर दिन पेपर देते जाइए और पेपर फाइनल पेपर से आने से पहले अपने आप को और बेस्ट से बेस्ट करिए। थैंक यू।